बहुत बुजुर्ग फरमाते थे कि जो बंदा दुरंगा हो, खलवत में कुछ जलवत में कुछ, जब वो नसीहत करने बैठता है तो जो उसके दाएं और बाएं के फरिश्ते हैं ये उसको निदा करते हैं कि तू लोगों को ऐसी बात कर रहा है, तुझे खुद अल्लाह से गुनाह करते हुए हया नहीं आती, शर्म नहीं आती। लुकमान अलैहिस्सलाम ने बेटे को एक नसीहत की, फरमाया बेटे गुनाह का इरादा करे तो आसमान की तरफ देख कि किस मुहसिन की नाफरमानी कर रहा है, गुनाह का इरादा करे तो किसकी तरफ देख, आसमान की तरफ देख, गुनाह का इरादा करे तो आसमान की तरफ देख, अगर ये नहीं तो अपने इर्द गिर्द देख, यानी लोगों का ही हया कर ले। ऐ बेटे अगर गुनाह का इरादा करे तो आसमान की तरफ देख, और अगर ये नहीं तो अपने इर्द की तरफ देख ले, और अगर इर्द गिर्द भी नहीं देखता तो फिर तुझे इंसान में और हैवान में कोई फर्क नहीं है। ये तो हैवान होता है ना, उसको क्या हया। तो जो इंसान ना अल्लाह का हया करे ना मखलूक का हया करे, इंसान नहीं, हकीकी मानों में वो हैवान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसी गफलत भरी जिंदगी से महफूज फरमाए और हमें हया वाली जिंदगी नसीब फरमाए, ताकि हम गुनाहों से जो है वो 100% बचकर नेकोकारी परहेजगारी की जिंदगी गुजार सकें। वह आखिर दावाना अनिलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। لا إله إلا الله.